तो ये है यहाँ का बेस्ट रवा डोसा। तो आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी है। ये राइस पाउडर नहीं, एक ही बनाने का ना मैंने, बड़ा वाला। ये सूजी, ये जीरू, जीरू। कितने साल से ना लगा रहे हो यहाँ पे स्टॉल? यहाँ अभी 30 साल हो गया। 30 साल। अच्छा, तो क्या क्या वेराइटीज मिल जाती है आपके यहाँ पे? अच्छा, क्या क्या मिल जाता है और आपके यहाँ पे? धनिया डाला मैंने या तो अभी देखो ना, आपका इडली है, मेदू वड़ा है, मसाला डोसा, मसाला उत्तपम, प्लेन उत्तपम, वेजिटेबल डोसा, वेजिटेबल उत्तपम, मैसूर मसाला, रवा मसाला, रवा ओनियन मसाला, सब मिलता है। आइटम वेराइटी बाकी स्वीट बटर पनीर वो अलग। क्या टाइमिंग रहते आपके? टाइमिंग सुबह 9 से 3 बजे। तो ये बैटर बनने जा रहा है, तो इसके अंदर आपने देखा चावल का आटा, रवा, जीरा और धनिया भैया ने डाल दिया और थोड़ा सा पानी और ये गाजर डालकर बहुत ही बढ़िया बैटर रेडी कर दिया है। अब भैया यहाँ पे तवा साफ कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हमारा तवा गर्म हो चुका है और इसकी अच्छे से सफाई हो गई है। अब भैया थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ये बैटर छिड़केंगे, तो आप देख लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताएगा कि आपका रवा डोसा फेवरेट है कि नहीं है। तो भैया ने धीरे धीरे करके पूरा तवा ये बैटर से भर दिया है। यहाँ पे ये आपको रवा डोसा मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 150 का, वो भी आलू की सब्जी, सांभर और चटनी के साथ। तो अच्छी तरीके से भैया ने सारा बैटर इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब इसके ऊपर छिड़का जाएगा थोड़ा सा ऑयल, तो भैया चारों ओर अच्छी तरीके से ऑयल स्प्रेड करें ताकि हमारा डोसा कहीं पे भी चिपके ना। तो भैया अच्छी तरीके से ये स्प्रेड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितना कलरफुल और बढ़िया लग रहा है और धीरे धीरे नीचे की एक लेयर पकना स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इसे निकाल दिया जाएगा, तो साइड की सारी कॉर्नर भैया निकाल रहे ताकि रवा डोसा हमारा अच्छी तरीके से तवे पर से निकल जाए। अब भैया इसके ऊपर छिड़क रही है नमक और उनका ये स्पेशल वाला मसाला। तो आप देख लो भाई कितना पतला और बढ़िया हमारा डोसा निकल कर बाहर आ चुका है। तो चारों ओर से भैया ने अच्छी तरीके से उसे निकाल दिया है। अब यहाँ पे उसे एक पर एक डाला जाएगा और आप डोसे की साइज देखकर ही समझ सकते हो कि यहाँ का प्राइस कितना पॉकेट फ्रेंडली है। तो अब ये जाएगा प्लेट के अंदर और अब भैया हमारे लिए बनाएंगे उनका स्पेशल आलू वाला सब्जी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 150 रुपए कितना बड़ा डोसा में मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे दी जाती है आलू की सब्जी, ये तीखा वाला फुदीने का चटनी है, ये लहसुन का चटनी, ये सांभर और चटनी। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं। और एक मसाला पार्सल कर दो, और ये मैसूर एक मसाला पार्सल है। तो ये रवा डोसा मैंने तोड़ लिया है और ये आलू की सब्जी के साथ ट्राई करते हैं। चलो तो टमाटर लो, तो टमाटर लो, दाल वाला कोई। आलू की सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, कुछ ज़्यादा मसाला अंकल ने नहीं डाले, लेकिन नेक्स्ट लेवल है। और सांभर ऑथेंटिक टेस्ट है सांभर का। अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया? ये खाने के लिए फटाफट से आ जाओ यहाँ पर। तो अगर ऐसे ही आपको इंडिया के अलग अलग और यूनिक खाने के वीडियोस देखने हैं तो खाना इंडिया पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और अभी तक आपने यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।